हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल फिल्म। मैं कुमार हूँ। देखिए, सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, और यूएसएसआर के डिवाइड होने से पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था। उसके बाद यूएसएसआर 1991 में जब डिवाइड हुआ तो ये एक अलग कंट्री बनी और इसका नाम पड़ा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के नॉर्थ साइड में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसे गेटवे ऑफ हेल कहते हैं, यानी नर्क का दरवाजा। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसका जो टोटल एरिया है वो है अराउंड 491,000 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है अराउंड 60 लाख के आसपास। और इस कंट्री का जो 70% एरिया है वो काराकुरम रेगिस्तान से घिरा है। इसका मतलब इस कंट्री का 70% एरिया जो है वो डेजर्ट है, और इस काराकुरम डेजर्ट का टोटल एरिया है अराउंड 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसी डेजर्ट के नॉर्थ साइड में है गेट क्रेटर नाम का एक बड़ा सा गड्ढा। और देखिए, ये जो गेटवे ऑफ हेल नाम का गड्ढा है ये अराउंड 69 मीटर चौड़ा है और 30 मीटर गहरा। और हैरानी की बात यह है कि इसमें पिछले कई दशकों से आग जल रही है, लेकिन इसमें लगी हुई आग का कारण कोई शैतान नहीं है जिससे इसका नाम पड़ा हो गेटवे ऑफ हेल, बल्कि इससे निकलने वाली नेचुरल गैस मीथेन है। और ये जो गेटवे ऑफ हेल नाम का गड्ढा है ये कैसे बना, इसमें कैसे आग लगी, और ये आग पिछले कई दशकों से लगातार क्यों जल रही है। अब देखिए, रिसेंटली ये गेटवे ऑफ हेल नाम का जो गड्ढा है ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट गुरबांगुली बर्दीमुखामेदोव चाहते हैं कि अब इस गेटवे ऑफ हेल नाम के गड्ढे में लगी जो आग है, जो लगभग 50 सालों से जल रही है, उसको बुझा दिया जाए। वहां के प्रेसिडेंट का कहना है कि इस आग की वजह से हम अपने इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो खोते जा रहे हैं, इससे हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता था। और उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया है कि वो किसी भी तरीके से इस आग को बुझाने का कोई ना कोई तरीका खोजें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्कमेनिस्तान गेटवे टू हेल में लगी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 2010 में भी राष्ट्रपति ने विशेषज्ञों को इस आग को बुझाने के तरीके खोजने के लिए कहा था। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये गड्ढा कब बना और कैसे बना। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि 1971 में जब सोवियत संघ के कुछ जियोलॉजिस्ट काराकुरम डेजर्ट में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहे थे, तब उन्हें यहाँ पर एक जगह पर नेचुरल गैस के भंडार मिले, लेकिन खोज के दौरान वहाँ की जमीन धस गई और वहाँ तीन बड़े बड़े गड्ढे बन गए। अब इन गड्ढों में से मीथेन गैस लीक होने के पूरे पूरे चांसेस थे, जो बाद में एटमोसफेयर में मिक्स हो सकती थी, जिससे एटमोसफेयर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था। इसीलिए उस टाइम पे जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनमें से एक गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ वीक्स में मीथेन गैस खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। 2013 में नेशनल ज्योग्राफी की एक टीम ने भी इस पर एक प्रोग्राम किया था और वहां पर उनके रिसर्चर्स की टीम पहुंची थी, और वो लोग भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली इस गड्ढे में आग कब लगी। लेकिन उनकी थ्योरी ने पहले वाली थ्योरी को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये गड्ढा 1960s के टाइम में बना था और इसमें जो आग लगी वो 1980s के टाइम में लगी। अब देखिए, जेरोनियम पेरोविक नाम के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हैं और उनके अकॉर्डिंग ये इस बात की तरफ इशारा है कि सोवियत संघ के दौर में कैसे काम होता था। अब गेटवे टू हेल नाम का ये जो गड्ढा है ये रेगिस्तान के बीच में उभरा था, ऐसे में इसके कारण जानो माल का कोई नुकसान नहीं था और इसका असर भी ना के बराबर था। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस दौर में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के पास नेचुरल गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी, वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का उत्पादन करता था। तो इसलिए हो सकता है कि उस वक्त गैस के इस भंडार को जला देना उनके लिए कोई इजी ऑप्शन रहा हो। अब देखिए, अगर उस टाइम की बात करें तो उस वक्त स्विट्जरलैंड जैसा देश हर साल 15,000 से 16,000 क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन इसे 4 गुना ज्यादा गैस यूएसएसआर के इस गेटवे टू हेल नाम के गड्ढे में जल रही थी हर साल। अब देखिए, उस वक्त इस गैस को पाइपलाइन डालकर दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया। जाहिर है, अगर यहाँ से पाइपलाइन डालकर इस गैस को दूसरी जगह ले जाते तो बहुत ही बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता, उसके लिए बहुत ही भारी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती, जो हो सकता है तब यूएसएसआर के लिए पॉसिबल ना रहा हो, इसीलिए उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर इस गैस को तब ना जलाया होता और ये गैस लगातार लीक होकर एनवायरमेंट में मिलती रहती तो तब ये एनवायरमेंट के लिए ज़्यादा खतरनाक होती, क्योंकि जब भी मीथेन गैस एनवायरमेंट में एक ही जगह बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होती है तो वहाँ पर बहुत ही भयंकर विस्फोट होने के चांसेस रहते हैं। ये बात सच है कि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना हानिकारक है, लेकिन अगर एनवायरमेंट में मीथेन गैस छोड़ी जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा हार्मफुल है। इराक, ईरान और अमेरिका जैसे कई देश भी इसे एनवायरमेंट में छोड़ने के बजाय जला देना ठीक समझते हैं। अब देखिए, ये जो क्रेटर है गेटवे टू हेल नाम का यानी नर्क का दरवाजा, ये तुर्कमेनिस्तान के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। हर साल तकरीबन 6,000 टूरिस्ट सिर्फ इस गेटवे टू हेल नाम के गड्ढे को देखने आते हैं और ये उन लोगों के बीच एक फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है। काराकुरम डेजर्ट में जो गड्ढा है रात को बहुत दूर से भी दिखाई देता है और आज की डेट में ये तुर्कमेनिस्तान की पहचान बन चुका है।
और अब वहाँ की गवर्नमेंट इस गड्ढे में लगी आग को बुझाना चाहती है, साथ ही इससे निकलने वाली नेचुरल गैस का वो सही तरीके से यूज़ करना चाहती है, जिससे वो इस गैस से मिलने वाले रेवेन्यू को लोगों के डेवलपमेंट पर खर्च किया जा सके। लेकिन तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट कई बार इसे बुझाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। वी होप कि वो इस बार कामयाब होंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।